मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल जरूर दबाओ। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू की भुजिया। ये मैं सेहरी के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, मैं सेहरी के लिए बनाती हूँ। और मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था, नौरीन फ़हीम ने, व्यूअर है मेरी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे कहा था कि फरमाइश की थी कि सेहरी के लिए कोई कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आसान भी हो और बच्चों को पसंद भी आए और बड़ों को भी। तो उसके लिए ये मैंने आलू की भुजिया मैं आपको सिखा रही हूँ। आलू की भुजिया ये मेरी अम्मी बनाती थी। ये ऑयल जो है मैंने तकरीबन आधा कप लिया है, आधा कप मैंने इसमें ऑयल लिया है। इसमें प्याज और मसाले जो हैं वो अच्छे उसमें फ्राई करने हैं। फ्राई करके फिर इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। नए नए डिफरेंट स्टाइल से होती है, इसमें मसाले कम होते हैं लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है और तरीका भी इसका ज़रा डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं शेयर करूं, ताकि ये मिर्ची हल्दी वल्दी वगैरह टमाटर के बग़ैर की ये सादी सी होती है लेकिन बहुत मज़ेदार और बन भी जल्दी जाती है। सेहरी के हिसाब से बच्चे इसको शौक से खाएंगे। हो जाए तो आप इसको इस तरीके से हाफ जो है इसमें रहेगी और हाफ जो है मैं निकाल देती हूँ। इसके अंदर जो मैंने लाल मिर्चें साबुन और जीरा रखा था खूब डार्क ब्राउन करनी है लाल मिर्चें और इसको भी मैं निकाल लूंगी। ये मैं जब आलू की भुजिया तैयार करूंगी तो इसके ऊपर ही सर्व होंगी। ये क्रिस्पी क्रिस्पी आ गई है और वो जो आलू मैंने निकाल लिए थे, सॉरी वो जो प्याज मैंने पहले निकाली थी वो पीस कर दी जाएगी। ये आलू तकरीबन 3 से 4 आलू हैं बड़े, नमक हल्दी जायकर और ये चटनी। इसके अंदर पानी हल्दी नहीं डालेगा, आलू अपना पानी को छोड़ता है और इसे आराम से आलू की भुजिया में ये आलू से तैयार हो गए। मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखूं। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ये आलू भी डल गए हैं, मैं इसको सर्व करना चाहती हूँ। तो मैं आपको सर्व कर, ये जो मैंने अलग से प्याज रख ली थी उसको इसके ऊपर इस तरह करके
ये जो है ये इस तरह आप फ्ली को क्रश करके खाएं, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और मज़ेदार भी लगती है।